सो लेट्स हैव अ डिस्कशन अहेड. हम हमारा जो यहाँ पर अब जो शुरू हुआ हुआ टॉपिक, उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि आप लोगों के जो नोट्स हैं, जो मैं आपके नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए नोट्स हैं, मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, और ये जो नोट्स हैं इनमें आपको जो है वो काफ़ी आसानी होगी फाइलम याद करने में. कुछ चीज़ें हम बुक से भी पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ तक मैं नोट्स से पढ़ा सकूँगा मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद हम बुक को कंसल्ट करेंगे. ये नोट्स पड़े हुए हैं आपके, इसी तारीख का जो आपका सेक्शन है, ये वाला 14 अप्रैल का जो सेक्शन है, इसी में यहाँ पर जो है वो ये नोट्स पड़े हुए हैं. ये नोट्स जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ और इसको पढ़ना किस तरह है. लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो सिलोमेट्स हैं उनमें आगे दो कैटेगरीज हैं, और ये जो दोनों कैटेगरीज हैं इनका ताल्लुक असल में किसके साथ है, यानी किस बेस पे सीलोमेट्स, अगर अगले दोनों ऑर्गेनिजम्स में जो कॉमन फीचर है वो बीइंग ए सीलोमेट है, तो इन दोनों को कौन डिफरेंशिएट कर रहा है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाली चीज उनका डेवलपमेंटल मैकेनिज्म होता है. वो आप पीछे वाली जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हैं. फिर हमने ये स्टडी करना शुरू किया था कि अगर एंसेस्टर से आगे के ग्रुप जो हैं इनको अगर हम स्टडी करते हैं तो एंसेस्टर से आगे के ग्रुप में क्या वो फीचर्स हैं जो हम जो है वो पढ़ेंगे. बेसिकली अब हमारी कहने से मुराद ये है कि अब हम प्रॉपरली स्टडी करना स्टार्ट कर चुके हैं वो डाइवर्सिटी. अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एनिमल्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, उनको कैरेक्टर्स की बेस पर डिफरेंशिएट किया कैसे किया जाता है. अब हम ये पढ़ रहे हैं कि उनमें डाइवर्सिटी जो है वो क्या है, मतलब एनिमल्स में कौन कौन से ग्रुप हैं और उनके अंदर जो है वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जिनमें हमने पहला जो ग्रुप है वो पढ़ लिया था, और वो कौन सा था, वो था पैराजोआ. पैराजोआ जिनमें सिर्फ टिश्यू मौजूद होता है, ठीक है, और जो पोरीफेरम्स हैं वो इनका फाइलम है. ठीक है, पैराजोआ ग्रुप का नाम है, जो पोरीफेरा है वो इनका फाइलम है. आगे आइए, क्योंकि ये अब कंप्लीट हो गया था लिहाजा अब हम आएंगे यूमेटाजोआ, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं, ठीक है, जिनके अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं उनको हम जो है वो ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं. तो यूमेटाजोआ में अब हमारे पास जो पहली कैटेगरी आती है, अगर आप इस टेबल में भी देखते हैं तो पहली कैटेगरी आती है रेडिएटा, ठीक है, और रेडिएटा का आपको पता है, कल भी डिस्कशन हुई थी कि रेडिएटा वो ग्रुप है कि जिनमें रेडियल सिमेट्री है, जिनमें कई प्लेन्स हैं जिनसे आप ऑर्गेनिज्म का मिरर इमेज बना सकते हैं. तो ग्रेट रेडिएटा जो है इनमें एक और फीचर जो कल भी मैंने डिस्कस किया था और आप लोगों को मैंने यहाँ भी बताया था कि रेडिएटा जो है उनमें एक और फीचर क्या होता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेसेसरीली, सॉरी, रेडिएटा नेसेसरीली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ये बात हुई थी बेसिकली हमारी कि रेडिएटा और डिप्लोब्लास्टिक होना ये एक ही चीज है. आपके बुक की हद तक ये सेम बात है, अगर से ये डिफरेंट है लेकिन आपके बुक की हद तक ये सेम बात है. और रेडिएटा में जो आप फाइलम पढ़ेंगे वो सिर्फ सिर्फ एक फाइलम है. एक दफा आप अगर नजर मार लेते हैं इसके ऊपर तो रेडिएटा का जो फाइलम आप पढ़ रहे हैं वो नाइडेरिया है, ठीक है. नाइडेरिया जो है ये खास किस्म के इनमें सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नाइडोसाइट्स, नाइडोसाइट्स, और ये असल में टॉक्सिक सेल्स होते हैं, टॉक्सिक, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं. तो नाइडोसाइट्स की वजह से आप इस ग्रुप को क्या कहते हैं, नाइडेरिया का नाम देते हैं. इनके प्रेजेंस ऑफ प्रीकर्सर स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, और उन स्टिंगिंग सेल में एक और ऑर्गन होता है जिसको निमेटोसिस्ट का नाम दिया जाता है. तो स्टिंगिंग सेल्स जो हैं असल में इनके अंदर मौजूद होते हैं, और इस स्टिंगिंग सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये चौकोर शेप में होता है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे. ये आपको आपके 12वें चैप्टर में भी मिल जाएगा, 12वां जो चैप्टर है आपका उसमें भी आपको ये जो है वो मिल जाएगा कि, और इसके अंदर एक स्पेशल किस्म का ऑर्गेनेल होता है इस तरह से जो मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहा होता है. अब ये जो है, ये जो चीज है, ये नाइटोसाइट है, ये नाइटोसाइट है, ये न्यूक्लियस है उसका, यानी ये स्टिंगिंग सेल है. उसमें जो ऑर्गेनेल है जो जिसके अंदर स्टिंग होता है, अब ये स्टिंग है, ये वो है जिसने जो जिसको आप डंग कहते हैं, और स्टिंग जिसमें से निकल रहा है उसको आप कहते हैं निमेटोसिस्ट, ये निमेटोसिस्ट है, ठीक है. तो ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो कि इसकी बॉडी पर मौजूद होते हैं. कहाँ होते हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये जो टॉपिक है इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, ये मैं इस वक्त आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ, ये इस वक्त मैं आप लोगों को ये वाला ग्रुप पढ़ा रहा हूँ, और इस ग्रुप के अंदर आपको वाजे तौर पर पता लग रहा है कि यहाँ कोई पॉइंट्स नहीं बने हुए, कोई हेडिंग्स नहीं बनी हुई.
ये हेडिंग्स और पॉइंट्स मैंने अपने नोट से बनाई है, इस वजह से मैं नोट से पढ़ाया करता हूँ। अब ये क्या है, क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म दो लेयर्स होती हैं। एक्टोडर्म से बनते हैं नेमेटोसिस्ट, ये वो नेमेटोसिस्ट हैं जिनमें जो है वो जो स्टिंगिंग सेल्स के ऑर्गेनल्स हैं, और एंडोडर्म जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि एंडोडर्म का काम गट या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो एंडोडर्म जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है। उसके बाद देख लीजिए, इनके अंदर सिर्फ एक ही कैविटी होती है, लेकिन उस कैविटी को सिलोम नहीं कहेंगे। बेटा आप इसको सिलोम क्यों नहीं कह सकते जी, जवाब देंगे आप? जी बेटा, हम इसको सिलोम क्यों नहीं कहते इनकी कैविटी को? इनकी कैविटी को पता क्या नाम दिया जाता है? इनकी कैविटी को नाम दिया जाता है एंटेरॉन। ये इनकी कैविटी का नाम है एंटेरॉन। इनकी कैविटी को सिलोम क्यों नहीं कह सकते? हाँ जी बेटा, इनकी कैविटी को बेटा सिलोम इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज इनके अंदर मेसोडर्म नहीं है, सिर्फ एक्टोडर्म है या एंडोडर्म है। लिहाजा इनकी कैविटी को आप सिलोम का नाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर मेसोडर्म नहीं है, ठीक है। कल हमने क्या बात की थी, सिलोम सिर्फ और सिर्फ मेसोडर्म से बन सकती है। फिर ये रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है, जैसे मैंने आपको जो है वो रेडिएटा कल समझाया था। ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं जैसे हाइड्रा है, और ये मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं जैसे ब्रांकियोसिरेंथस है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म अभी मैं आपको नेट पर दिखाता हूँ। इनकी दो फॉर्म्स होती हैं, ये दो तरह से इनकी फॉर्म्स होती है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म दो तरह की बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक इनकी बॉडी फॉर्म होती है जिसको आप कहते हैं पोलिप। पोलिप, अब आप जरा यहाँ पर अगले पेज पर आते हैं तो आपको दो डायग्राम्स मिलती हैं। एक इनकी ये शेप है, एक इनकी ये शेप है। ये जो शेप है ये हमेशा क्या होगी, सेसाइल होगी, यानी ये अपनी जगह पर फिक्स्ड रहेगी, अपनी जगह पर फिक्स्ड रहेगी। तो इस शेप को, इनकी इस शेप को आप क्या कहते हैं, इस शेप को आप नाम देते हैं पोलिप का। और वो शेप जो लोकोमोटरी है, जो अपनी जगह से मूव कर सकती है, उसको लोकोमोटरी कहा जाता है। ये शेप जो है ये लोकोमोटरी है, और इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप मेड्यूसा कहते हैं, ठीक है। इसको मेड्यूसा का नाम दिया जाता है जो लोकोमोशन करती है। अम्ब्रेला शेप जो है इसको मेड्यूसा कहा जाता है। तो इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म दो शेप्स में होते हैं, कुछ पोलिप के शेप में होते हैं, कुछ मेड्यूसा के शेप में होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, most of the cnidarians such as corals produce calcium carbonate which is secreted by their epidermal cells which take lime from sea water. इनका skeleton होता है खास किस्म का, इससे बना हुआ, calcium carbonate से बना हुआ। और जो ये skeleton बनाते हैं, उन skeleton बनाने वाले cnidarians को आप क्या कहते हैं, corals का नाम देते हैं। मतलब जिनमें skeleton नहीं है वो coral नहीं है, जिनमें skeleton है वो coral कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, mode of nutrition क्या है? Mode of nutrition है carnivores है, ठीक है, छोटे छोटे एनिमल्स पे फीड करते हैं और अपने प्रे को इमोबिलाइज कर देते हैं बाय स्टिंगिंग देम, और उसके बाद आराम से उनको जो है वो खाते हैं। नर्वस सिस्टम, इनमें जो है वो कोई नो सीएनएस, इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज नहीं है। ये आपने चंद एक चीजों पे गौर करना है लाजमी, नर्वस सिस्टम इनमें सेंट्रलाइज नहीं है, सेंट्रलाइज नहीं है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं। फिर आ जाते हैं जी लोकोमोशन एंड मोड ऑफ लिविंग। कुछ सेसाइल हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जितने पॉलिप्स हैं, ऑल पॉलिप्स, जितने भी पॉलिप्स होंगे ये सेसाइल होंगे, और उसके बाद जितने भी मेड्यूसा होंगे वो सारे मोटाइल होंगे, यानी कि वो मूव कर सकेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन बहुत एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह की होती है, और जो बडिंग है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो जरिया होती है बडिंग, ठीक है। मतलब ये कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें इनकी बडिंग होती है जिसमें माइटोसिस होती है। हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हमेशा माइटोसिस होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होकर क्या बनता है, बड बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या होता है, ये जानने से पहले हम जो है वो आपका एएलपी देख लेते हैं, ताकि हमें जो है वो पता लग जाए कि हमने ये फिनोमेना पढ़ना है। इस चैप्टर में बहुत ध्यान से हम जो है वो चलेंगे, क्योंकि हमने एक एक चीज देखनी होती है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने। जी, ये टॉपिक हमने पढ़ना है। ये जो टॉपिक है आपका, इसमें देखिए वो कहता है कि ओबिलिया एंड सम अदर नाइडेरियंस शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है,
एक ऑर्गेनिज्म है ओविलिया, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी जिंदगी के एक दौर में पॉलिप होता है, यहां वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके जरिए बनाता है मेड्यूसा। मेड्यूसा बना के उसमें वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और उससे क्या बना लेता है, पॉलिप। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जिंदगी के एक हिस्से में पॉलिप की शेप इख्तियार करता है, दूसरे हिस्से में मेड्यूसा वाली शेप इख्तियार करता है। तो जब एक ही ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे अपने ही लाइफ लाइफ टाइम में, जिस लाइफ टाइम में वो एग्जिस्ट कर रहा है, जो उसका लाइफ टाइम है, उस लाइफ टाइम में वो ऑर्गेनिज्म दो फॉर्म में एग्जिस्ट करे, एक एक फॉर्म, एक दफा पॉलिप, दूसरी दफा मेड्यूसा, तो उस एक ही ऑर्गेनिज्म की दो शेप्स को आप क्या कहते हैं, उस एक ही ऑर्गेनिज्म की दो शेप को आप नाम देते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक ही लाइफ में एक टाइम पे वो एक शेप में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे टाइम पे दूसरी शेप में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आप ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। आपने ये बुक में कहां तक पढ़ना है ये मैं अब आपको बता दूं, बुक में बेटा आपने ये सिर्फ यहां तक पढ़ना है टॉपिक, यहां तक बस, आगे नहीं पढ़ना, आगे आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद जो है अगला टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा, अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है जी। जी बेटा, यहां तक कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम आ रही हो आप? जी नहीं, अच्छा यहां पर मैं आपको जो है वो दिखा देता हूं, ऑर्गेनिज्म हाइड्रा, ये देखिए, ये ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक होता है, देखिए ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, और ये जो धागे से आपको नजर आ रहे हैं ये इसके टेंटिकल्स हैं, और इन टेंटिकल्स के ऊपर नाइडोसाइट्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है। ये हाइड्रा, ये देखिए ये हाइड्रा है, इसके ऊपर टेंटिकल्स, ये जो धागे हैं ये टेंटिकल्स हैं, और उनके ऊपर मौजूद है नाइडोसाइट्स जो स्टिंग करते हैं। इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूं, ये जेलीफिश, ब्रैकियोसेंसलस, फाइलम नाइडेरिया, जेलीफिश जो है वो भी नहीं किया। अब ये जेलीफिश की कौन सी शेप है, मेड्यूसा, जबकि हाइड्रा की कौन सी शेप है, पॉलिप, ठीक है। तो ये है जो फाइलम नाइडेरिया। इसके बाद आ जाइए, ले जी अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, अब जरा गौर कीजिएगा बुक का, जो आपके पास टेप, जो आपके पास जो है वो, ये आपका फाइलम प्लैटिहेलमिंथ्स यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये आपका फाइलम प्लैटिहेलमिंथ्स है। लेकिन उससे पहले पहले आपने क्या देखना है कि अब आप कहाँ तक पहुंच गए बुक में। अगर आप ये जो है वो अपना पहला पेज निकालते हैं तो अब आप रेडिएटा कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप आ रहे हैं बायलेट्रियम, नाउ यू आर मूविंग बायलेट्रियम, और बायलेट्रिया जो है उसके आगे, और बायलेट्रिया का ऑब्वियस मतलब ये है कि ये किस में आ रहे हैं आप, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ रहे हैं, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ रहे हैं। और अब आपने ये देखना है कि आप कौन से ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे बायलेट्रिया का, ए सिलोमेट पढ़ेंगे, सूडो सिलोमेट पढ़ेंगे, या सिलोमेट पढ़ेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक हियर, आप पहुंच गए हैं ग्रेट बायलेट्रिया में, ट्रिप्लोब्लास्टिक ए सिलोमेट पढ़ने लगे हैं, और ए सिलोमेट में जो फाइलम आप पढ़ने लगे हैं इनको आप कहते हैं फाइलम प्लैटिहेलमिंथ्स, ठीक है। अभी जो प्लैटिहेलमिंथ्स है इनके बारे में जरा सुन लीजिएगा कि प्लैटिहेलमिंथ्स का मतलब क्या होता है, ये बड़ा बड़ी ही जो है वो टेक्निकल बात है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर समझाने के लिहाज से यहाँ पर हमें बोर्ड पर भी, व्हाइट बोर्ड पर भी डिस्कस करनी पड़ेगी। सो लेट्स हैव सम डिस्कशन हियर। जो आपके पास है फाइलम प्लैटिहेलमिंथ्स, उसमें जो है वो दो वर्ड शामिल हैं, एक है पी एल ए टी वाई एच आई एल एम आई एन टी एच ई एस, प्लैटी, प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट मतलब पिचका हुआ, पिचक जाना, पिचकना, ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इनको आप एक और नाम भी देते हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट,
होते हैं बिल्कुल। जी बेटा आवाज आ रही है। सर अब आई है, पहले कट गई थी। कि कहाँ से कट गई थी बेटा, अब तक कितनी देर पहले? हाँ वो वेंट्रल वाले से, वेंट्रल वाले से। ठीक है, जो वेंट्रल हैं वो ग्राउंड फेसिंग होते हैं और जो डोर्सल हैं वो स्काई फेसिंग होते हैं। अच्छा अब यहाँ पर जो है वो तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होने का क्या मतलब है? अच्छा डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होने का मतलब ये है कि ये ऊपर और नीचे से बिल्कुल पिचके हुए होते हैं। बेटा एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जरा रिफ्रेश करके आता हूँ। ये वाली ये अभी तक जो है मुझे ये साइन दे रहा है, मैं जरा रिफ्रेश करके आता हूँ। जी एक मिनट, जी अब देखिए जरा यहाँ पे कि अगला वर्ड क्या था। अगला वर्ड था हेलमिंट्स। मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ, ये जो वर्ड है हेलमिंट्स इसका क्या मतलब होता है? बेटा हेलमिंट्स का मतलब होता है वॉर्म। ये वॉर्म जो है ये यहाँ पर हेलमिंट इसका मतलब होता है वॉर्म। वॉर्म स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये सूंडी की शेप के होते हैं। एक्चुअली सूंडी वॉर्म नहीं होती लेकिन सूंडी की शेप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम वॉर्म्स कहते हैं। तो ये एक्चुअली हैं वॉर्म्स, और कैसे वॉर्म्स हैं? पिचके हुए, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी है, इनमें मीजोडर्म आ गई है। ले जी अब यहाँ पर अगली बात आ जाती है, इनमें अब जो है वो आपके पास मीजोडर्म आ चुकी है और इसका मतलब ये है कि यहाँ से अब ट्रिप्लोब्लास्टिक होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, ठीक है। अच्छा जी इसके बाद आ जाइए कि ये कुछ मिलीमीटर से लेकर सेवरल मीटर्स, ये सेवरल मीटर्स है, ये सवियर नहीं है, सेवरल मीटर्स है, सेवरल मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? इनका सैक लाइक होता है। अच्छा अब सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये भी एक बड़ी ही इसको आप कहते हैं कि टेक्निकल किस्म की बात है कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब होता है। बेटा जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसका मतलब होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ एक साइड से ओपन है, दूसरी साइड से ओपन नहीं है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को आप सैक लाइक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां से मिसाल देता हूँ। ये देखिए ये ऑर्गेनिज्म है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ यहां से ओपन है, बस यहां से ओपन है, उसके अलावा कोई ओपनिंग नहीं है। तो ये भी किस टाइप का है? ये भी सैक है, मतलब ये भी थैले की तरह है, एक साइड से ओपन है, दूसरी साइड से ये भी ओपन नहीं है। तो ये जो है वो हम इसको कहते हैं कि ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। आगे आगे आप देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो असल में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दोनों तरह का होता है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सैक लाइक के साथ साथ एक और तरह का भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो दोनों तरफ से ओपन होता है, दोनों तरफ से जो डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन होता है वो और नाम का है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ एक तरफ से ओपन होता है उसका नाम और होता है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो है बेटा अब सबसे पहले तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं डिस्कशन। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अभी आपने क्या देखा कि आपने एक तो मतलब देखा प्लेटी हेलमिंट्स का, प्लेटी हेलमिंट्स, ठीक है, इसका मतलब देखा। दूसरी चीज आपने जो देखी प्लेटी हेलमिंट्स मतलब प्लेटी मतलब फ्लैट, हेलमिंट मतलब वॉर्म, ये फ्लैट और वॉर्म है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था वो ये था कि सैक लाइक ओपन फ्रॉम ओनली वन साइड, सिर्फ एक साइड से जो है वो ओपन है, दूसरी साइड इनकी ओपन नहीं है। इट हैज यानी इसका मतलब ये आ गया, आप ये भी कह सकते हैं कि इट हैज अ सिंगल ओपनिंग, सिर्फ एक ओपनिंग है, ज्यादा ओपनिंग्स इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, पुअरली डेवलप्ड इन सम, कुछ में ये पुअरली डेवलप्ड होता है। अब कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये पुअरली,
पुअरली डेवलप्ड है, पुअरली डेवलप्ड। याद रखिए ये उनमें पुअरली डेवलप होगा जो पैरासाइट्स होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट्स में पुअरली डेवलप्ड होगा। यानी इसका मतलब ये है, अब पैरासाइट्स का क्या फंक्शन होता है इस बात पे भी गौर करें बेटा। पैरासाइट्स का फंक्शन होता है कि ये बना बनाया फूड, डाइजेस्टेड फूड अपने होस्ट से लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनको खुद फूड डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पेश आती। तो जो पैरासाइट होगा वो जब होस्ट से डाइजेस्टेड फूड ले रहा होगा तो इसका मतलब यह है कि उसको खुद डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, लिहाजा उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की भी जरूरत नहीं है। यही वजह है यहां लिखा हुआ पुअरली डेवलप इन सम। ये जो सम है ये असल में पैरासाइट से मुराद है कि पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो कुछ तरह के पैरासाइट्स होते हैं, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं और उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पुअरली डिवेलप होता है। अच्छा इसके बाद आ जाइए जो आपका है नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब गौर कीजिए अगली बात के ऊपर, जो पिछला फाइलम आपने अभी पढ़ा उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम का कोई सीन नहीं था, उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम था ही नहीं। वो डायरेक्ट जो है वो ओशन में एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जो पिछले आपने पढ़े हैं ना वो सारे के सारे एक्वाटिक है, उनमें से कोई भी टेरेस्ट्रियल नहीं है, कोई भी खुश्की पर नहीं रहता जो फाइलम नाइडेरिया। ये जो फाइलम इस वक्त आप पढ़ रहे हैं इनमें से कुछ जो है वो एक्वाटिक है और कुछ टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल का मतलब खुश्की पर रहने वाले। तो जो खुश्की पर रहेंगे उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम की लाजमन जरूरत पेश आएगी, तो जाहिर सी बात है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम चाहिए होगा। और इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उनमें बल्ब लाइक सेल्स होते हैं। अब ये बल्ब लाइक सेल्स क्या होते हैं यहां पर इसको डिस्कस करते हैं बेटा। ये इनका पूरा ग्रीन कलर में इनका पूरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ, और इनकी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको आप कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड। अगर मैं ये डायग्राम यहीं से कैरी करके डिस्कस करूं, यहां से कैरी करके इसको डिस्कस करते हैं इस जगह पर, इस डायग्राम को जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस डायग्राम के अंदर आप वाजह तौर पर देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म एक तो कंप्रेस्ड है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस ऑर्गेनिज्म का जो है वो पूरा ये जितना आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है ये सारा का सारा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक फीचर है जो अब आपने गौर से सुनना है, इट इज फ्लडेड बाय सिलोमिक फ्लूइड। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो इनके सिलोमिक फ्लूइड में फ्लडेड होता है। इनके अंदर ब्लड नहीं है बेटा, इनके अंदर जो फ्लूइड है वो सिलोमिक फ्लूइड है, जो सिलोम का फ्लूइड है, ठीक है। अब सिलोम का फ्लूइड कहाँ है बेटा, ये देखिए ये एक्टोडर्म, ये गट बनी है, ये एंडोडर्म, गट बनी है एंडो से, जो एपिडर्मिस है जो स्किन बनी है वो है एक्टो से। दरमियान में गट और एक्टोडर्म के दरमियान में एक फ्लूइड होगा, इस फ्लूइड को आप क्या कहेंगे, इस फ्लूइड को आप कहेंगे सिलोमिक फ्लूइड, इस फ्लूइड को आप सिलोमिक फ्लूइड का नाम देंगे। इनमें सिलोम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था इनमें सिलोम तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर सिलोमिक फ्लूइड मौजूद है। और वो जो सिलोमिक फ्लूइड है वो असल में इनकी बॉडी को ऐसे ही जो है वो इनकी बॉडी में ऐसे ही मौजूद है जैसे आप किसी लिफाफे में पानी भर, किसी लिफाफे में आप पानी भरेंगे, आप यूं कह लीजिए कि आपके पास एक जो है वो चले लिफाफा छोड़ दें, आपके पास एक बीकर, उस बीकर के बिल्कुल दरमियान में आप एक छोटा सा पाइप रख देते हैं और बीकर की वॉल इधर देखिए, ये एक बीकर है आपके पास, ठीक है। इस बीकर के बिल्कुल दरमियान में आपके पास पड़ा हुआ है एक अदद पाइप, ठीक है। और आप क्या करते हैं, आप बाहर से पानी जो है इसके अंदर डालते हैं, बीकर पानी डालते हैं, ठीक है। जब आप इसके अंदर पानी डालते हैं तो वो पानी जो है वो सारे के सारी जो आपकी जो ये है इसको कवर कर लेता है,
लेकिन हकीकत क्या है इसकी? हकीकत ये है कि अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो ये बीकर की ओपनिंग है, ये वो ऑब्जेक्ट है जो आपने रखा है, और ये वो सारा जो है वो पानी है जो आपने भरा है। ठीक है, अब ये जो है ये क्या चीज है? ये बेटा है जिसको आप कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड, ये सिलोमिक फ्लूइड है। ठीक है, ये गट है, वो बाहर वाली जो है वो स्किन। तो इसी तरीके से इनका जो पूरा अंदर, अब आप गौर कीजिए, अंदर जितनी चीजें होंगी इस रेड ऑब्जेक्ट के अंदर के अलावा, अंदर जितनी चीजें होंगी वो सारी की सारी जो है वो पानी में कवर होंगी। ऐसा ही है ना, सिर्फ गट गट के अंदर पानी नहीं आएगा, यानी ये रेड वाले ऑब्जेक्ट के अंदर पानी नहीं आएगा, इसके जितनी चीजें होंगी वो सब की सब उस पानी में कवर्ड होंगी। बिल्कुल ऐसे ही ये जो गट है इसमें वो फ्लूइड नहीं आ रहा, लेकिन एक्टोडर्म से एंडोडर्म के दरमियान में सारा फ्लूइड मौजूद है, जिसको आप सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं। और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इट इज फ्लडेड बाय सिलोमिक फ्लूइड, इसको फ्लड किया हुआ है सिलोमिक फ्लूइड। और अब क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये जो सेल है, सबसे पहले तो देखिए ये बल्ब शेप है, ये देखिए ये बल्ब, इसका इस शेप को आप कहते हैं बल्ब। और इस बल्ब के इर्द गिर्द से क्या गुजर रहा है? इस बल्ब के इर्द गिर्द से वो फ्लूइड गुजर रहा है जिसको आपने अभी क्या कहा है, सिलोमिक फ्लूइड कहा है। ये इस बल्ब के इधर इर्द गिर्द से सिलोमिक फ्लूइड गुजर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये बल्ब किसको फिल्टर करेगा? बेटा ये बल्ब फिल्टर करेगा सिलोमिक फ्लूइड को। बल्ब सेल जो है ना, इसके अंदर सीलिया है, इसके अंदर सीलिया है, ये सीलिया बीट करते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे मोमबत्ती का शोला बीट करता है। मोमबत्ती का शोला जो है वो ऐसे से बीट करता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये सीलिया बीट करते हैं ऐसे। इनकी इस बीटिंग की वजह से यूं लगता है जैसे ये कैंडल का फ्लेम है, इसकी बीटिंग पैटर्न इसका ऐसा होता है जैसे ये कैंडल का फ्लेम है। तो कैंडल फ्लेम जो है उसकी अपीयरेंस की वजह से आप इसको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल। इस बल्ब सेल को आप कैंडल के फ्लेम पैटर्न की वजह से आप इसको फ्लेम सेल का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जैसे जैसे सीलिया बीट करता है, यहां से जो वेस्ट होती है वो अंदर आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका बड़ा ही डिटेल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो इसमें मौजूद है, और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये इनको एक्सक्रीशन करने में हेल्प आउट कर रहा है। जी बेटा, यहां तक समझ आई कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाइए जी, आपके पास यहाँ पर आ जाता है ये नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। नर्वस सिस्टम किस तरह वेल डेवलप्ड है कि इनके अंदर यू कह लीजिए अ बिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी एग्जैक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो नहीं आया, बट इट इज अ बिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब थोड़ा बहुत जो है वो इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहरहाल आ चुका हुआ है। ठीक है, यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, इस लिहाज से भी ये जो है वो CNS इज प्रेजेंट। ये अपने पिछले फाइलम से इस लिहाज से भी एडवांस्ड है, क्योंकि पिछले फाइलम में मौजूद नहीं था CNS। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेंस ऑर्गन्स एट द एंटीरियर एंड। इनके सेंस ऑर्गन, एंटीरियर का क्या मतलब होता है? फ्रंट, माउथ साइड पर। एंटीरियर का मतलब होता है माउथ की साइड पर जो मौजूद होता है उसको आप एंटीरियर एंड कहते हैं। तो यहाँ उनके इनके सेंस ऑर्गन जो है वो माउथ के पास मौजूद होते हैं, तो इस वजह से हम जो है वो इनके एंटीरियर एंड पे कहते हैं। आगे चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, खाते कैसे है? सम आर फ्री लिविंग व्हाइल अदर्स आर पैरासाइट, मोस्ट आर एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का क्या मतलब होता है बेटा? एंडोपैरासाइट का मतलब ये होता है कि जो बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं। एंडोपैरासाइट्स लिविंग इनसाइड द बॉडी, लिविंग इनसाइड द बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, टेनिया सोलियम फेस्युला हेपेटिका स्किस्टोस्टोमा ड्यूडेनल, ये तीन हैं जो पैरासिटिक स्पीशीज हैं, और डेफिनेटली इनमें
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नहीं होगा। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जब इन्होंने फूड लेना ही डाइजेस्टेड है, अपने होस्ट से फूड लेना है, तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ है जो फ्री लिविंग, जैसे प्लेनेरिया है, जो इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, ये जो डायग्राम आपने पढ़ी है ना पिछले वाले में, वो प्लेनेरिया था। तो वो जो प्लेनेरिया है उसके, वो फ्री लिविंग है, लिहाजा उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरी है। फ्री लिविंग फॉर्म्स आर मोटाइल, दे मूव बाय सीलिया, ये मूव भी करते हैं, और इनके मूवमेंट जो है वो सीलिया के जरिए होती है। रिप्रोडक्शन कैसे है? दोनों तरह की रिप्रोडक्शन में मौजूद है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के जरिए। फ्रेगमेंटेशन आपने टेंस में पढ़ी हुई है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ हिस्सों में टूट जाता है, और उसका हर हिस्सा जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो वो प्लेनेरिया की एग्जांपल, वहां टेंस में भी आपके पास जो एग्जांपल वहां गिवन है वो प्लेनेरिया ही की एग्जांपल है। तो फ्रेगमेंटेशन इनकी एसेक्सुअल होती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, उसमें ये हर्मेफ्रोडाइट है। हर्मेफ्रोडाइट के हवाले से मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ मैं फिर आपको बता देता हूँ बेटा। ये जो है वो एक ग्रीक गॉड का नाम था हर्मेफ्रॉस, और हर्मेफ्रॉस ये ड्यूअल नेचर का गॉड था। ड्यूअल नेचर का मतलब ये है कि इसका धड़ जानवर का, और इसका निचला धड़ जानवर का था, और ऊपर का धड़ जो है वो इंसान का था। मतलब ये एक इमेजिनरी गॉड था जो ग्रीक्स का था, उसको हर्मेफ्रॉस कहते थे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली दोनों तरह के ऑर्गन जिनके अंदर होते हैं उनको आप हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है? तो इनके ये हर्मेफ्रोडाइट भी हैं। अच्छा, इसके कुछ, इसका कुछ हिस्सा है जो आपने अब पढ़ना है बुक्स, यहां पर आपको बताने होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडेप्टेशंस फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। जी, यहां आपको अडेप्टेशंस फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ बताना होता है कि जो ऑर्गेनिज्म, इनमें से कुछ जो है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट्स, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइट्स। अब जो पैरासाइट्स है ना, वो उनके अंदर क्या ऐसी चेंजेस हैं कि वो पैरासाइट होने के काबिल हैं, वो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ गुजारने के काबिल हैं, वो क्या फीचर हैं जो इनको पैरासाइट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एपिडर्मिस नहीं होती, स्किन नहीं होती। स्किन क्यों नहीं होती? क्योंकि ये होते ही अंदर है। अब ये क्योंकि एंडोपैरासाइट है, लिहाजा इनकी स्किन एब्सेंट है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट, एडहेसिव ऑर्गन। एडहेसिव होते हैं चिपकने वाले ऑर्गन, सच एज सकर्स एंड हुक्स, ये चिपकने वाले ऑर्गन होते हैं ताकि ये अटैच हो सके। तीसरी अडेप्टेशन क्या है? मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम नहीं है, ना भागने की जरूरत है ना सोचने की जरूरत है, ठीक है? नो नीड टू रन, क्योंकि है ही अंदर तो भागने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और नो नीड फॉर सेंसरी ऑर्गन्स, लिहाजा इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी इतना बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, ठीक है? उसके बाद आ जाइए, डाइजेस्टिव सिस्टम हैज बिकम सिंप्लीफाइड। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता क्योंकि डाइजेस्टेड फूड ले रहे होते हैं। आगे आ जाइए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है? क्योंकि इन्होंने अपने एग्स जिस होस्ट में ये रह रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में रह रहे हैं, बफेलोज में रह रहे हैं, लायंस में रह रहे हैं, गोट्स में, किसी में भी रह रहे हैं, इन्होंने एग्स बाहर पहुंचाने होते हैं, एग्स वहीं डेवलप नहीं करने होते, एग्स बाहर पहुंचाने होते हैं, लिहाजा इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इनके मोर देन वन होस्ट होता है, यानी एक होस्ट में, इसको आप क्यों कह लीजिए कि इनके अंदर मोर देन वन होस्ट है, और मोर देन वन होस्ट में फायदा क्या है और कीजिए, एक में, एक होस्ट जो होता है उसमें ये फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन एक होस्ट में होती है फर्टिलाइजेशन, और जो दूसरा होस्ट होता है उसमें ये अडल्टहुड में होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इनमें एक होस्ट से काम नहीं चलता, बल्कि ये दो दो होस्ट से काम चलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा था मलेरिया, अब मलेरिया का एक होस्ट मच्छर है, दूसरा होस्ट ह्यूमन है। एक मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म है वो मच्छर में डेवलप होता है और ह्यूमन में आके बीमारी कॉज करता है, बिल्कुल ऐसे ही इनके भी दो होस्ट होते हैं, एक में ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, दूसरे में आके जो है वो ये एडल्टहुड ये किस में गुजारते हैं, ह्यूमन में, और ये जो है वो बीमारी कॉज कर सकते हैं, ठीक हो गया? ये है बेटा ये दो फाइला, फाइला जो है ये आपके, ये टॉपिक दोनों ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, जो जो मैं छोड़ता आ रहा हूँ वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इंशाल्लाह कल हम ये स्टार्ट करेंगे अगला फाइल, कल आप लोगों की क्लास होगी।